ये भीमताल में आज हरियाली इतनी कम क्यों लग रही है? ब्राउन ब्राउन सा लग रहा है भीमताल आज। अब हम लेक के सीधा ऊपर से जाएंगे। ये देखो ना, पूरा जितनी ग्रीनरी थी ना, अभी सारे पत्ते झड़ गए हैं, तो पूरा सब यहाँ से जाने में बड़ा मज़ा आता है। एक रास्ता वहाँ से है, वरना आज ना भीमताल भी पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है, अभी सीजन का टाइम नहीं है, तो काफ़ी महीनों बाद मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। जाड़ों में तो मैं कहीं गया ही नहीं था, उससे पहले ही गया था, जहाँ गया था मुंशियारी गया था, उसके बाद मैं आज निकल रहा हूँ यार बाइक पे। एक मंदिर है आदि बद्री, मैं गया था जब केदारनाथ जा रहा था ना, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। और मुझे निकलना था सुबह, कल मैंने प्लान बनाया था कि सुबह 7 बजे निकल जाऊँगा, लेकिन कितना टाइम हो गया, 10 तो ये बज गया यार। 6 घंटे का रास्ता बता रहा है मैप में, गूगल मैप में 7 घंटे भी अगर मान के चलो तो पहुंच जाऊंगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा ट्रैफिक भी होता है इस रूट पे, तो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, ट्रैफिक की वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी तेल मैंने भरा दिया है, टायर प्रेशर वगैरह सब चेक्ड है। पहाड़ों में लेट ही होती है थोड़ी सुबह। अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, 2 बिस्किट खा के निकला हूँ मैं। तो जहाँ पे मैंने जब केदारनाथ जा रहा था ना, केदारनाथ जा रहा था पता नहीं, हाँ शायद केदारनाथ ही जा रहा था, वहाँ मैंने एक जगह पे ब्रेकफास्ट किया था, तो सोच रहा हूँ वहीं पे कर लूँ दोबारा, मतलब आज भी वहीं पे करूँगा। रास्ता मेरा वही होगा, रानीखेत होते हुए, रानीखेत द्वाराहाट भी आएगा, चौखुटिया ये सब आएगा। पिछली बार जो मैंने वीडियो शूट किया था मुंशियारी वाले टूर में, वो मैंने 180p में शूट कर रहा था, तो बढ़िया है 180p भी, तो थोड़ा मुझे क्वालिटी का लग रहा था 180p में, तो इस बार मैं शूट कर रहा हूँ 2.7K, तो इसमें क्वालिटी भी मिल जाएगी और ये 4K से तो कम हैवी होगा, तो होपफुली फुटेज भी सही आए, ज़्यादा ड्रेन ना हो बैटरी जल्दी। और बाइक एकदम चकाचक चल रही है, टचवुड। अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा आगे, ये आ गया कैंची धाम। यार इधर पुलिस की लगी हुई है आज, ऊपर से यहाँ तक पुलिस लगी हुई है यार, कुछ है क्या या कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहा है मे बी। ये यहाँ भी पूरी पुलिस लगी हुई है, कोई आ रहा होगा नेता वगैरह, क्या पता। नीम करोली बाबा जी के वहाँ ये नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, तो यही बज गए। कहाँ सुबह 7 बजे उठने निकलने की सोच रहा था मैं, 11 बज रहे हैं अभी। पहाड़ी ढाबा मैगी पॉइंट बंद है, किस किस के हैं पराठे? आलू प्याज और गोभी। आलू प्याज गोभी, आलू प्याज प्याज गोभी का लगा दो, 2 पराठे और चाय के साथ। अब पेट पूजा भी हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया, पराठे खाए, मैप लगा दिया मैंने, यहाँ से दिखा रहा है 113, 3 घंटे 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और अभी मैं रानीखेत में हूँ,
टाइम हो रहा है 12:13, आराम आराम से जाएंगे मजे करते हुए। ये रानीखेत का भी साफ सुथरा है यार, कैंट एरिया है ना। क्या रोड है यार, बहुत कम ट्रैफिक होता है इसमें और रोड कहीं पे टूटी नहीं है, ऐसी हॉट मिक्स मिलेगी पूरी। और जो मज़ा आता है ना यार चलाने में, ये देखो पूरा यहाँ से एक यू टर्न आता है फिर नीचे को जाती है रोड। ये ट्रिप ना मैंने सोचा कि छोटी कर लेता हूँ, छोटी भी क्या मतलब, ये अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ आदि बद्री वो 200 किलोमीटर के आसपास तो है, 195 किलोमीटर से शायद, तो आज मैं वहीं रुकने वाला हूँ। अभी भी ठंड है ना थोड़ी, तो मेरा मन नहीं करता वैसी ठंडी में घूमने का, तो मैंने सोचा कि यहीं पे चले जाता हूँ, लंबा ट्रिप जाने का मेरा मन नहीं था, तो तभी मैंने सोचा कि एक दिन की छुट्टी लेके, आज फ्राइडे है, 3 दिन मिल गए, लॉन्ग वीकेंड, बस बढ़िया, और क्या चाहिए। ये देखा पूरी खाली रहती है यार यहाँ पे, मतलब कोई गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, मज़े से ले जाओ आराम से ग्लाइड करते हुए एकदम मक्खन की तरह। और बाइक तो भाई क्या बोलें इसके बारे में, तो ऐसी स्मूथ लग रही है ना। अभी कुछ स्पॉट्स आएंगे जहाँ से थोड़ा अच्छा व्यू आता है, एक नदी वदी बहती है बगल से, वो भी आएगा अभी, वो पता नहीं उसके आदि बद्री से पहले आता है कि बाद में आता है, मेरे ख्याल से तो आएगा पहले ही आएगा। ये दिख रहा है यार क्या सुंदर रोड है, इतना ही ट्रैफिक हो ना सारी रोडों में तो चलाने में अलग ही मजा आए। ओए होए क्या जंगल लग रहे हैं, अति सुंदर। ये कौन सी जगह है यार, अब शायद द्वारा हाट आने वाला है, काफी जल्दी डिस्टेंस कवर हो रही है आज, पता नहीं चल रहा है, 88 किलोमीटर रह गया अब। और कल्लू पर सिल्की वाले यार इसके, एक और आ गया इसका दोस्त। टंकी फुल और 75 किलोमीटर बचे, 2.5 घंटे का रास्ता, ठंडी ठंडी हवाएं और अरे यार इसने धूल उड़ा दी, अरे बीच बीच में ना ये खराब हो रखी है। अरे लूज सैंड है पूरी, इसमें बाइक फिसलती है, खैर इस इधर उतनी ज़्यादा नहीं थी। क्या बोल रहा है बच्चा हैरान हो गया बाइक देख के।
एक फोटो तो खींचनी बनती है यहाँ से। रास्ता मजेदार है, लेकिन ये ऐसा लगता है ना जैसे प्राइवेट रोड होगी तुम्हारी, यहाँ पे कोई दिखेगी नहीं गाड़ियाँ। जैसे ही वो रानीखेत से निकलते ना आगे को, खाली खाली सड़कें हैं इधर को। ये कौन सी जगह है, ये गैरसैंण है मेरे ख्याल से। चलो एक नदी तो आ गई, मैं कब से चाह रहा था कि कुछ नदी टाइप आए। गैरसैंण, अच्छा ये नहीं है गैरसैंण, यहाँ गैरसैंण अभी 12 किलोमीटर है, कर्णप्रयाग 60 है यहाँ से, और हमारी डेस्टिनेशन है 40 किलोमीटर। अभी थोड़े कंधे सीधे कर लेता हूँ। आज बहुत टाइम बाद चलाई ना, बहुत महीनों बाद, तो फील हो रहा है पूरे कंधे और गर्दन में। और यहाँ नीचे एक नदी सी है छोटी सी, उससे आवाज़ आ रही है अच्छी अच्छी कान सुन हो गए थे मेरे। एक घंटा रहता है यहाँ से, निकलता हूँ मैं। बस पहुँच गया मैं आदि बद्री, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, और अभी टाइम 4 बज रहा है। अब बस आता ही होगा किसी भी मोड़ के बाद। आदि बद्री 2 किलोमीटर। यहाँ पे मैं GMVN में रहने वाला हूँ। GMVN का जो TRH रहता है ना, टूरिस्ट रेस्ट हाउस, उसमें रहने वाला हूँ मैं। मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे है, ढूंढना पड़ेगा वहाँ पूछ के। ये भी काफ़ी अच्छी जगह है यार, शांति है एकदम यहाँ पे। अंकल आदि बद्री के लिए, अच्छा धन्यवाद। मैंने भी एंड टाइम पे मैप बंद किया, सीधे TRH कहाँ पे है, TRH भी ढूंढना पड़ेगा अभी। अच्छा ये रहा, TRH तो ये रहा, बाइक खड़े करने की जगह है। पहले हम आगे होके आते हैं। हाँ ये रहा मंदिर सामने। ये रहा मंदिर सामने, जय विष्णु भगवान। ओम जय जगदीश हरे। खैर आएंगे, हम चलते हैं TRH में। बस मिल जाए यहाँ पे, अच्छा खासा है यार ये तो। TRH में ना मैं इसी वजह से आता हूँ, सबसे जो मेन रीज़न है पार्किंग सही मिल जाती है। गॉड, भैया रूम्स मिल जाएंगे, रूम्स। अच्छा इधर डोरमेट्री भी है ना। हाँ डोरमेट्री है। डोरमेट्री में, डोरमेट्री भी दिखा दो फिर, क्योंकि वैसे भी खाली होगा ना सब। सब खाली है, डोरमेट्री है, रूम है, आपको क्या चाहिए? डोरमेट्री दिखा दो पहले।
है डॉन में से।